याद पहले दिन ही सुनिया फिर आवाज माइले सुननी आई। मैं बड़ा खुश हाँ, बड़े लुत्फ है उन्होंने आवाज सुनने। मौली साहब आवाज करते रहते सुते रहते, कोई दात का झगड़ा नहीं। या तो सन दात ते लाना ना, तो जो लाया जे तो बादशाह किया। चलो आओ दुआ खैर करिए, सौदा कर लीए। शिया की जमानत मैं लेना, मौली साहब तुम पहले सुनत की जमानत लो, इन्होंने कट्ठिया कर दीए, झगड़े ही खत्म हो जाए। तुहानू शियां कसम है हजरत अब्बास की, आइंदा किसी असहाबी बुरा नहीं आखना, और अहले सुन्नत तो कसम है गौस पाक की, उन्हें किसी बुरे सुहाबी नहीं आखना। आओ दुआए खैर करिए। एक बारी हिम्मत ना बोलो, खसारे हैदरी। आओ दुआए खैर कट्ठे बैठे। एक छोटी जी मिसाल इजाजत थोड़ी, इजाजत मुहब्बत का सौदा है ना, कोई ताकत का तो है नहीं। जिहड़े खतीब जाकर मजमे नाल सख्ती कर दें, मेरे लोवे थले वे अच्छी बात, जिहड़े आके मिट्टी ते बह गए जी जी, उन्हां वो की करन की है। अपील का हक होंगे सानू, बदरी तवजो करो, ये लफज सुन जी जी। वो अपने बच्चों भी घर चाहिए, बच्चा, बच्चा ध्यान नाल पढ़ो, वो कोई ऐसी ध्यान नाल सुनो, प्यार नाल सुनो। तुहानू जिंदगी च रत्तू वाली दी किसी सीढ़ी खुशकी नजर है, हालांकि मैंने 8 साल तो हेपेटाइटिस सी ए और कभी चैप्टर पढ़ो ना, ये पहली सत्र ही है कि जिसको हो जाए उसे गुस्सा बहुत आता है। मैं कसरत सलवात ही इतनी पढ़ता रहना गड्डी विच, क्योंकि सलवात का जिहड़ा जिक्र है वो ठंडा है, क्योंकि उहदे विच रहमत है ना। तो खुशकी मत करो, जिहड़ा खतीब खुशकी करे अच्छा नहीं करदा, बुरी बात है। मोमिनीन नाल प्यार करो, जिहड़े चल के आके बह गए ने, मुहब्बत करो, दुआ दिओ उन्हां जिहड़े इमाम हुसैन दे जिक्र की जीनत बने। और मैं निजाज की देना ने, थले बैठे ने सन कुर्सी। मैं तो इस चीज का भी खिलाफ हाँ, चौधरी मलक खोखर बड़े बड़े वे चौधरी ने असा कभी सलाम भी नहीं लिया। जी निस्बत है ना इमाम हुसैन की जाकर, ये चौधरी तो मलक वड्डा नहीं। बस मैं इसमें पसंद नहीं, जाकर इस तो बड़ा लफ्ज। हाँ जी, बात खत्म करिए, नतीजा दे। एक हरमे रसूल आया है ततहीर दे वक्त, उस माहौल दे करीब करीब और फरमाया आता जनूली दखला फिल खसार या रसूल। या रसूल्ला, क्या तुम मैं इजाजत दें दे? वो यार बीबी ने हद नहीं कर दी समझाण दी कि रसूल दे चादर बेच, रसूल दे घर बेच भी दाखल होना हो, बेशक बीबी क्यों ना हो। एक जड़ी बर्बाद ना कर दिया नबी का ना लिया, मेहनत बड़ी करके आती। एक नबी की बीवी है जी चादर दाखिल होने वास्ते इजाजत भी मंगती है, एक जी मैदान जाने वास्ते भी इजाजत नहीं भी मंगती। पैगंबर ने की फरमाया, कूनी फतनाही अन अहले अंते अलल खैर व मकामो हाफिल जन्ना। मारो गरीब माशियां ने सच्ची कर ली,
याद रखो जब दुश्मन को गल का जवाब ना हो कतल करता है। तू जवाब है कोई ना, मार देगा और की करेगा। फरमाया तू नेकी ते भी है, खैर और जनती भी है। मगर चादर ही दाखिल नहीं हो सकती। पूछा यार रसूलल्लाह क्यों, फरमाया अंते अजवाजी वहाउलाए अहल बैत, तू मेरी बीवी है ये मेरे अहल बैत। फिर ये क्यों लिखे है इस आयत की तफसीर, शादियां हजूर दियां काफी ने, किसी ने पता है तो दस जो सुने दस दे, नौ ग्यारह तेरह और बकौल मकबूला जिन्हें तर्जमा कुरान का जमीमा लिखा है सतारह इख्तलाफ है। जिमें आख दी दाई कितने जाकर आए ने, कोई आंदा सत अठ आए ने, कोई आंदा नौ दह आए, हाँ इस तरह होता है नौ ग्यारह तेरह। आओ किसे नबी दी बीवी दी जुबानी किताब की खाओ जिस दावा किया हो मैं अहल बैत हूं। हाय हाय हाय, कुछ लोगों ने कुरान की तदवीन बदली, कुछ लोगों ने हदीस, बड़ा एक अलग चैप्टर है, बड़े मजेदार तकरीर है मेरी। मगर आज शुरू मैंने बानियान ने कहा कि इस तरीके ना रट्टा तो होता कोई नहीं, चीजा वही होंगे ने फिर उन्होंने मौका माल के मुताबिक इस्तेमाल कर लेना। ड्यूटियां लग गई रसूल के बाद अरब दिया कबीलियां कम वंड लें, जिन्हों के कन्न ठीक ने दिमाग ठीक है, जरा इसनों वंड वेखो रतवाली किवें कीती है। लोगों ने कम वंड लै, किसी ने कहा मैं कुरान की तदवीन अगे पिछे कर देंगा, किसी कहा मैं जाली हदीस पा देंगा, किसी कहा मैं तारीख अपनी मर्जी की बनवा दा, की किया मंसूर दवान की ने शेर मंगाए चार जंगली शेर जंगल चो ताजे पकड़ी के फिर उन्होंने फुक दी। तो फिर इमाम ने कहा आका मैं शेर खरीदना चाहना, तो जरा वेख दियो भाई इन्होंने विचों अच्छी नस्ल है अकेली, इन्हें उन्होंने कहा सी शिकारियों ने भाई जैसे ये शख्स सामने आवे पिंजरा खोल दे। उन्हें एक खोलिया, सरकार फरमाया भी पिंजरे च बंद ने जरा इन्हों खोलो टुरद्या फिरद्या वेखिए। उन्होंने क्या हूं तो मोहरी हो गई, खुद आख रहे लिहाजा चारे पिंजरे खोल दिते गए, जिससे चारे पिंजरे खुल गए चारे शेर दौड़ जाए। इमाम दी कलमा सर बात खत्म हो गई, हूं चलाकी पिया करता है सरकार इन्हों विचों चंगी नस्ल के दिए फरमाए चारे ही चंगे ने। उसने कहा जी की तुहाडे कोल सबूत है कि चारों की नस्ल अच्छी है, इमाम फरमाया मैंने कसम है उसकी जिसने रसूल का पुत्र बना के जमाने का इमाम बनाया है, हर उस शय की नस्ल अच्छी है जिहड़ा साडा हया करे। हिम्मत नाल बोलो, उच्चा बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो हैदरी। मेहरबानी नस्ल जाकर साहब तशरीफ लाया घंटी खड़क गई
بس بڑھ گیا. کیا لیا آ گئے وہ جناب ماشاء اللہ. اچھا جیسے لطف بنتا ہے اسے دل ہی کرتا ہے پھر سلسلہ. جی جی قانون ہے فطرت. جس چیز نو پیار ہو جائے وہ دل کرتا ہے اکھان دے سامنے رہے جی آواز اچھی لگے وہ دل کرتا ہے کان بار بار. جی تھی شیاں دیا دعاواں نہیں قبول ہوں تھی من بار بار منگتے ہو بار بار منگتے ہو بار بار منگتے ہو دوجے لوگ منگتے ہیں اسی ویلے تھان. یہ وجہ ہے کہ جی آواز پسند ہوئے وہ بار بار سنی دی ہے. جیسے مومن دعا منگتا ہے اسے اللہ فرشتے نہ آدھا ذرا رکتا ہے وہ دے دیا گیا کوئی وہ ٹر چلے تم ویخ منگتا کہتا ہے پیا تو وسیلا کن پیا پا ذرا میرے سن مل کے ہمت نال سارے بولو گے اچا بولو گے جی جی ویکن واسطہ کن پایا ویکنا وسیلا ڈن ہو گئی اس بات پہ کہ پیغمبر دو چیزاں چھوڑ گئے ہیں ایک دانا ہے قرآن تکلیف کرو تھوڑی جی دوسرا ماشاء آخری بات اور ایک جملہ بات جو آئی ہے نا جلدی بہ جائے گا پھر وہ مجمے نہیں بیٹا تو جو اٹ جاتی ہے سیانے بندے ہو پرانے سن اچھا تقریر ایک ربط ہوتا ہے تو تھوڑی جی دشواری ہو جاتی ہے ذہن تھوڑا جہا بھی ہٹ. مدینے دے نشے بچ جی تھی ہوں ڈسکے کے نشے بچ بیٹھے ہو قریب ہے نا ڈسکا. اچھا مدینے دے نشے بچ جھگڑا ہو گیا سیڑھی پنڈ چ تقسیم کر دیا جی بانیا نو میں گزارش کروں گا سب دیو سارے گھر چیک دیو آ جی سنو سڈا ایک سید ذاکر آیا یا پڑ گیا سنو سنو جو غلطی کٹو اگر سچ ہے تو من لو جھوٹ ہے چھوڑ دو. مدینے جھگڑا ہو گیا عرب بدوان چ کی کسی آخیا او صاحب وڈا ہے تو کسی آخیا تو کسی آخیا تو کسی آخیا ماشاء اللہ سمجھ آ گیا. وہ جناب گل ہے بدوان ہر وقت لڑائی پہ انہاں دے کلچر چ جھگڑا وہ کسی آنا بندہ پیا اس آخیا حیا کرو شرم کرو کیوں لڑو گل مسئلے دی ہے مسئلہ بندہ ایک وفد بھیج دیو مدینے تے اتو جا کے اصحابہ کرام دے درجات اپنے آوے تے بنوا لے. او وفد آیا تے ملیا کس نو حضرت عبداللہ ابن عمر جی ہوں تھی بولو ذرا کس نو ملے جی کس نو یاد کرنا چاہیے نا کل گل کر کتاب کا نام ریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشر جڑی صرف لکھی صحابہ دی شان وچ گئی یعنی کہ موضوع ہی صحابہ. نام تے وچ کتاب دے میرا بھی ہے ریاض النظرہ پر میں وہ ریاض ہوں وہ پہلے ہو گئے گزر گئے. وہ کس نو ملے جی ذرا پیار نال بولو مینوں سمجھاؤ جی کس نو جی اور انہاں کیا جی ساری بستی جھگڑا ہو گیا ہے بڑے اختلاف ہو گئے نے اسی ہوں تہاڈے کول آیا سن اصحابہ کرام دے درجے بنا دے انہیں کہا کاغذ قلم لے تے لکھ پہلا رتبہ فلان دا سمجھ آ رہی ہے سارے دوسرا رتبہ تیسرا رتبہ چوتھا رتبہ پنجواں رتبہ چھواں رتبہ ستواں رتبہ اٹھواں رتبہ نواں رتبہ. اسے بندہ غصے جڑ کے کھلو اسے کیا بس کر رہا ہے
तेन खलीफा का पुत्र समझ के तेरे बूहे से आया से ते तू तो ज्यादती की इंतहा कर दिता। मैं बेकी की थे उस जगह तू अली ना चौथे नंबर से भी नहीं गिने नवे दर्जे भी नहीं गिने उसे अब्दुल्ला इब्न उमर साढ़े नाना लाड़ हजरत उमर के पुत्र तो पुछ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आंदे दिल करदा मैं तेरे मुंह ते तमाचा मारा तू मेथो असहाबां दे दर्जे पूछे ने कि अहले बैत दे दर्जे पूछे ने मैं चोखा वड्डा नारा सुनना जाना चोखा वड्डा नारा सुनना जाना है लारी एक जिद बना ली जे गरीब शिया नाल अहले बैत तो अहल बैत हो जिसनों खुदा चुन ये साबा का खानदान और अहल बैत का खानदान और इको प्यो दे बारह पुत्र ने याकूब नबी ये पुत्र बारह ने उन्हें बारह विचो सरदार यूसफ एक मां ते प्यो दे जम्मे बराबर नहीं तू गैर बराबर किवें प्या कर आंज नाम कोई समझाने की कमी रह गई मैं कमी तो नहीं छोड़ी अल्लाह तुहानू इज्जत दे अल्लाह तुहाडे घर आबाद फरमाए हमेशा दानू यो पाक जिक्र नसीब होवे मौत दे वक्त भी ये साडे वारस कबर च भी ये साडे वारस साडा होर है बस असा कानून बनाया है किताबां चो कुरान हस्तियां चो पहले पहले आओ दुआ खैर करिए और तबरुका ने जुमला मसाहिब दा पढ़ दईए इत्थे तबलीग दी ज्यादा जरूरत सी अजकल ज्यादा लोग मसाहिब पढ़ने लग पे ने तबलीग बिल्कुल खत्म होती जाती है मैं अलबत्ता इदारा बना रहा तकरीबन वो मेरा तैयार हो गया मैं इरादा रखना कि मैं उदे च खतीब पैदा करा जिवें मैं इस तरीके नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल धीमे लै बस जिद भी ना बने ते पैगाम भी तकरीबन मेरा इदारा तैयार हो चुका है मस्जिद तैयार हो गई है इदारा तैयार हो गया है गेट का काम बाकी है अन करीब मैं उसकी दुआ खैर करांगा उलमान बुलावांगा मोमिनीन नूं बुलावांगा और मैं अपने उत्थे दसांगा कि मैं की चाहना केड़ियां चीजां कुरान शिया किसनों आकीदा है शिया की तारीफ जरा स्पीकर की तारीफ करो थोड़े आवाज नो साहबान की तारीफ धुप नो साए च बदल 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 शिया की तारीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला मैं कलमा पढ़िया मैं शिया दी तारीफ दसण लगा शिया किसनु आखीदा शिया उसनु आखीदा है कि जिहड़ी किताब कुरान दे मुकाबले चावे वह किताब छोड़ देवे जिहड़ा बंदा अहले बैत दे मुकाबले चावे वह बंदा छोड़ जावे साडा जुर्म ही आ है जिस तो सन मारिया गया सानू कतल किया गया ना हर दौर चो हूं मैं की एक मजलिस च मैं की गया अगर मैं दुआड़ियां तकलीफा शुरू कर दिया पैगंबर के बाद कि उस हुकूमत चो कितने शिया कतल हुए ने उस हुकूमत चो कितने हुए ने मिस्र चो कितने हुए ने लबनान चो कितने हुए ने इराक चो कितने हुए ने शाम चो कितने हुए ने ईरान चो कितने हुए ने पाकिस्तान चो कितने हुए ने किस किस दौर चो हुए ने क्यों हुए ने इक्को ही जुर्म है साडा रसूल तो लैके अज तक जरा वेखो रतवाली ने जुर्म लभिया क्यों जरा साडे ते आए थे साडा सिर्फ जुर्म इतना है कि लोग आका दी रहलत दे बाद हाकमे वकत की तरफ चले गए असी शिया इत्तेबाए रसूल आले मुहम्मद की तरफ चले गए